परमेश्वर मुझे वो फिलिपी 4:6 से बात किया कि किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाओ। परमेश्वर मेरा मन में ऐसा बात किया कि समय बहुत बुरा है और मार्ग भी बहुत फिसलन भरे है, परमेश्वर के आगमन निकट है, हम सब जानते हैं। तो हम अगर ऐसा सिचुएशन अगर हम देखेंगे तो बहुत कठिन है। तो हमें परमेश्वर बोल रहे हैं कि किसी की बात की चिंता मत करो, हमें किसी की बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर हम हर एक बात अगर परमेश्वर के पास जाकर हम गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें, विनती करें, और जो भी सिचुएशन में हम हो अगर धन्यवाद देने के लिए उतना विश्वास हमारा मन में है और परमेश्वर के सामने जाके प्रार्थना के द्वारा हमारा जो भी तकलीफ है, जो भी कष्ट है, कोई मनुष्य को नहीं, अगर परमेश्वर के सामने जाकर अगर हम वो विनती करेंगे, जरूर परमेश्वर हमारा उस प्रार्थना को सुनेंगे और परमेश्वर का वो शांति आनंद हमारा मन में भर देंगे जो संसार नहीं दे सकता है, वो सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है, जो हमारा समाज से भी परा है, हमारा हृदय में, मन में, आत्मा में भर जाएगा। 4:5, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, प्रभु आने वाला है। इस प्रकार इस वचन के ऊपर से ये फिलिपियन चैप्टर 4 बहुत अच्छे अच्छे वचन प्रभु के दास पावलोस हमें सिखाया उनके जीवन से। पर ये जो 5 वचन में लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, ये वचन जब मैं पढ़ रहा था कुरिंथ के पत्री में पौलुस एक बात उधर भी कहा कि तुम खुद को जांचो। तो ये वचन जब मैं पढ़ रहा था, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, मुझे ऐसा लग रहा था आज भी शायद प्रभु में मुझे रहते हुए बहुत सारे चीज मुझे सीखना है। जैसे कल एक छोटा सा मिस्टेक मुझसे हो गया, जिस चीजों से मैंने सीखा कि एक बात, ठीक है, कोई भी बात मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी कहना है, ठीक है, किस तरीके से कहना है, हालेलुया, किस प्रकार से सामने वाले के मन में उस कठिन बात, यानी कि जिनको बंगाली मालूम है उनको मालूम है, हमारे बंगाली में एक बात ऐसा है कि उनको बोलते हैं हंसते हंसते उसके मुंह पे थप्पड़ मारना, ऐसा। तो ये काम मुझसे नहीं होता है, पर मुझसे कुछ मिस्टेक्स हो गया है। प्रभु ये वचन से जब मैं ऊपर से जा रहा था कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट, प्रभु ने ऐसा मुझे बताया कि अभी भी बातें किस तरीके से करना है सीखना है, हालेलुया, किस तरीके से प्रचार करना है उस तरीके से सीखना है, किस तरीके से, मतलब मेरा वचन जो मेरे जुबान से निकलता हुआ है उस थोड़ा मतलब आम बात नहीं है, वो परमेश्वर का बात है, कितना कोमलता से, कितना दीनता से निकलना है वो हमें जानना है, मतलब मुझे सीखना है, क्योंकि सेवकाई में नया हूं, मैं सीख रहा हूं, ठीक है, पर मेरे अंदर एक गलत बात ये है कि मैं कोई भी बात मेरे मन के अंदर नहीं रखता हूं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड कितना भी क्यों ना ऊंचे पद वाले लोगों मैं खुलकर उसको बता देता हूं, फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप जो है तुम्हारा, वो मैं तुम्हारे कोर्ट पे बॉल डाल दिया, अगर दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, थिंक अबाउट इट, आप सोचो आपको क्या करना है, मैं वचन से और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने बता दिया, ये प्रभु का व्यवस्था ही है। तो प्रभु इस बात से मुझे सिखाया एक बात कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, मतलब तुम्हारी कोमलता बोले तो जो मिस्टेक, मैं कभी भी प्रभु से ऐसा सीखे, जो मिस्टेक मुझसे हो जाता है प्रभु उस बातों से मुझे सिखाता है। इस प्रकार हमारे बातों में नम्रता, बातों में दीनता आए, ताकि सब मनुष्य के लिए, कलीसिया के लिए वो आशीष और अनुग्रह का कारण बने। प्रभु सभी को अनुग्रह करे। मुझे 7वां वाक्य बहुत छुआ, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर कब, यहाँ लिखा है कि तब परमेश्वर की शांति, तो उसने मुझसे कहा कि 4, 5, और 6 वाक्य पढ़ लेना, उसमें लिखा है कि रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, और 5वां में लिखा तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, और 6वां में लिखा कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित किए जाए। तो ऐसा करने से परमेश्वर की शांति जो एकदम समझ से परे वो हमारे हृदय में वास करेगी। तो मैंने वही सोचा कि अभी परमेश्वर यही मुझसे बातें कि जितने भी परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम्स है, किसी मनुष्य से कहने के बजाय तुम परमेश्वर के सम्मुख में रखो और उसी से तुम प्रार्थना करो, धन्यवाद के साथ करो, तो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनेगी।